Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will do some exercise of the previous chapter, that is a game of chance, right? Summary हमने कल करी थी और आज हम जो है उसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कर ली है, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज उसकी करेंगे. आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा चैप्टर कि किस तरह से जो है लालच में जो है राशिद ने जो है अपने he has lost all of his money, जितनी पैसा था उसके पास जो है वो लालच में उसने उसमें खो दिया था. और जो शॉपकीपर था वो क्या कर रहा था, ट्रिक कर रहा था. और उसने जो ओल्ड जो ओल्ड मैन था और जो एक लड़का था उसको क्या दिए थे, उन्होंने बड़े प्राइज दिए थे, बिग प्राइजेस दिए थे. और उस लालच में जो है राशिद ने अपने पास जितने पैसे थे कि अब मेरे को बड़ा प्राइज मिलेगा, ऐसे करते करते जो है he has lost all of his money. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. ये हमने एक्सरसाइज कर ली थी, अगर किसी का मिस हो गया है तो हम इसको कर लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप समझ लेना क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है विद इन द चैप्टर है, चैप्टर में से ही लिया गया है. और अगर आपके समझ में आ गया है चैप्टर तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फिल. तो फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों, डैश वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल. अब सबको बताया ईद के फेस्टिवल में क्या होता है, पूरे चैप्टर में वही चीज रिपीट हुई है बार बार, अ बिग फेयर, राइट. बिग शो नहीं आएगा, बिग फेयर आएगा, अ बिग कॉम्पिटिशन नहीं आएगा, तो अ बिग फेयर. सेकेंड में ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. कल भी मैंने आपको बताया था डिस्प्ले करने नहीं आएंगे, खरीदने नहीं आएंगे, सिंपल है कि अगर मेले में आए हैं तो क्या करने आएंगे, बेचने आएंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, टू सेल. अंकल टोल्ड मी बाय डैश व्हाइल ही वाज अवे. क्या बोला था अंकल ने, टू नॉट टू बाय एनीथिंग, नॉट टू गो एनीवेयर, नॉट टू टॉक टू एनीवन. क्या बोला था बच्चों, क्या बोला था, नॉट टू बाय एनीथिंग. और क्यों बोला था, क्योंकि उन्हें पता था कि मेले में जो है लोग क्या बनाते हैं, शॉपकीपर्स फूल बनाते हैं. नॉट टू बाय एनीथिंग, चीट करते हैं सब लोग. द ऑनर ऑफ द लकी शॉप वॉन्टेड एवरीबडी प्रेजेंट टू प्ले द गेम टू विन अ प्राइज और टू ट्राई देयर लक. क्योंकि उसका शॉप का नाम ही लकी शॉप था, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, टू ट्राई देयर लक. द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, टू पेंसिल्स, अ ट्रफल. जब पहली बार जो है राशिद ने जो है वहां पे गेम अपना जो है भाग्य आजमाने के लिए जो है खेला था, तो क्या मिला था बच्चों से, टू पेंसिल्स. अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड अ फूल ऑफ मी, अ गुड प्रॉफिट, फ्रेंड्स विद मैनी पीपल. तो सिंपल सा है, उसने क्या बनाया था, अ फूल ऑफ मी. ये हमने कल करी थी, आज ये दोबारा कराइए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. और दो क्वेश्चन जो है मैंने आपको होमवर्क दिए थे, आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे. अभी मैं जो है ओरली एक बड़ी डिस्कस कर लेते हैं. व्हाई डू यू थिंक राशिद अंकल आस्क्ड हिम टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस. तो इसका आंसर मैंने कल बताया था आपको, अंकल आस्क्ड राशिद नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस बिकॉज आई थिंक ही हैड एन आइडिया that the shopkeeper could fool him, मूर्ख बनाएगा. Why was the shopkeeper called lucky shop? क्यों बोला था उसको, रखा था उसका नाम lucky shop, इसलिए रखा था because people could try their luck here. All they had to do was to pay 50 पैसा, और 50 पैसा में क्या करना था, pick up any six discs, add up the numbers on the disc and find the total and the article marked that with that number was theirs. An old man won a clock and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? अब आप लोगों को याद होगा कि जब उन्होंने क्लॉक जो वन करी थी, जीती थी,
और उसको जो है शॉपकीपर को वापस कर दी थी। तो द ओल्ड मैन सिलेक्टेड सिक्स, क्या कर रहा था ओल्ड मैन ने, ही सिलेक्टेड सिक्स डिस्क बाय पेइंग 50 पैसा। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल ऑफ, कितना टोटल बना था, 15, टू बी 15। द शॉपकीपर गेव हिम द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। ही सोल्ड द क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर ऑफ रुपीज 50। तो कितना कलेक्ट करा उसने पैसा, 15 रुपीज। तो हाउ मच ही मेड, तो ही मेड 15 रुपीज। मेक का क्या हो जाएगा, मेड। व्हाई वाज राशिद अप, हाउ मेनी प्राइजेस डिड द बॉय विन, बॉय ने कितने जीते थे। तो जब यहाँ पे कितना डिड, अगर यहाँ पे पास्ट टेंस में पूछते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द बॉय वन, अब बॉय ने क्या क्या जीते थे, प्राइजेस, बोर्ड प्राइजेस, कूम, फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच एंड अ टेबल लैम्प। वाई वॉज राशिद अपसेट, अब राशिद क्यों अपसेट था बच्चों, अभी सबको पता होगा, क्योंकि ही हैड लॉस्ट ऑल हिज मनी। इन वॉट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ राशिद, किस तरह से उन्होंने उसका मूर्ख बनाया था। ठीक है, द शॉपकीपर प्ले ट्रिक ऑन ट्रिक विद हिज फ्रेंड्स टू टेम्प्ट राशिद टू ट्राई आउट हिज लक। ही वॉन्टेड राशिद मनी एंड ही गॉट इट एंड राशिद वॉज लेफ्ट विथ नो मनी। तो दीज आर क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस करे और कल भी डिस्कस करे थे, और ये होमवर्क दिया था, आई होप सारे बच्चों ने कर लिया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो कैन बी यूज। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, बी यूज एज नाउन, जहां पे नाउन के रूप में यूज करना है वहां पे नाउन यूज करना है, और अदरवाइज वर्ब के। ठीक है, यूज देम एप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स, दो हमने करे थे, अभी हम जो है यहाँ पे करेंगे। द टू टीम्स हैव, क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब क्या है, प्ले, वर्ड कौन सा दे रखा है, प्ले, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव प्लेड। जैसे मैंने कल बताया था, यस्टरडे आई टोल्ड यू कि परफेक्ट टेंस में हैव और हैज हैड के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द लास्ट डेज, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्ले वॉज एक्सीलेंट, प्ले वॉज, अब यहाँ पे वर्ब कौन सा हमारा, वॉज, हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्ले, द लास्ट डेज प्ले वॉज एक्सीलेंट, राइट। शी हैज अ लवली, क्या आएगा यहाँ पे, फेस, नाउन की तरह यूज होगा, इंडिया फेसिंग वर्ब। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज, ही मेड हिज मा इन एसे राइटिंग आर्टिकल्स मार्किंग सोल्ड आर रिजर्व, क्लियर। द पुलिस आर, अब यहां पे क्या है हमारा, कोम, ठीक है, अगर कोम है तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन की तरह यूज करेंगे, और अगर कोम्बिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कैसे यूज करेंगे हम इसको, आर्टिकल की तरह यूज करेंगे, ठीक है। अब कोम यहाँ पे क्या है, कॉम्बिंग करना, द पुलिस आर कॉम्बिंग द एरिया टू कैच द बगलर्स, ठीक है, वहां पे जो है वो किसको ढूंढ रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं, किसके लिए, एरिया की पूरी कॉम्बिंग कर रहे हैं, किसको ढूंढने के लिए, बगलर्स को। एन ऑर्डनरी प्लास्टिक कोम, अब यहाँ पे कंघी के लिए बोला है, कोम मीनिंग जो है दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं, एन ऑर्डनरी यहाँ नाउन की तरह यूज हो रहा है, एन ऑर्डनरी प्लास्टिक कोम कॉस्ट 5 रुपीज। यहाँ पे क्या है, वर्ब की तरह हमने यूज करा है कोम्बिंग, और वहां पे कोम को यूज करा है एज अ नाउन, क्लियर। ही गेव और डैश इन आंसर टू माई क्वेश्चन, ही गेव अ स्माइल, ही गेव अ स्माइल इन आंसर टू क्वेश्चन, वी ऑल्सो क्या गए यहां पे, स्माइल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी ऑल्सो स्माइल टू सी हिम स्माइल।
Clear? Next है, he said, he hoped, hope, right? कौन सा वर्ड दे रखा है? Hope. तो यहाँ क्या आएगा? He said, he hoped to be invited to the party. We gave up. क्या आएगा यहाँ पे? Hope. We gave up hope of his joining the party. हमें आशा है, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है? The boys put up a good athletic dash और bracket में क्या है? Show the soldiers dash, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? The boys put up a good athletic show. The soldiers showed show, यहाँ पे क्या आएगा? Showed. Clear? Now come to the next, that is, you deserve a dash on the back of your good performance pat. Bracket में कौन सा word है? Which word is there? Pat. The teacher dash the child on the cheek to encourage her. ठीक है, खाली एक pat word है, उसको आपको जो है इसमें fill करना है. तो simple सा, you deserve a pat on the back of your good performance. The teacher patted thapana the child on the cheek to encourage her. उसको encourage करने के लिए टीचर ने क्या करा? उसकी पीठ में क्या करा? चीक में पैटेड करा, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नाउन और वर्ब दोनों जो हैं, एक ही वर्ड को जो है हमने किस तरह से एज ए नाउन और एज ए वर्ब हमने यूज करा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पे फ्यू सेंटेंसेस दे रखे हैं. अब आपको देखना है देयर एंड देयर. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर? टू देयर होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, बट मीनिंग क्या रहते हैं? सेम रहते हैं. देयर मैंने हम कहते हैं ना, देयर आर फ्यू बॉयज वहां पे हैं. और कई बार हम क्या कहते हैं? दे आर डूइंग देयर वर्क. कि वे क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग देयर वर्क. तो डिफरेंस क्या है? देयर एंड देयर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर? क्लियर हो गया होगा, ठीक है? देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, ठीक है? देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय. कि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं और मैं उनको खरीदना चाहता हूँ. नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग देयर इन द बिगनिंग. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. तो आपको यहाँ पे देखना है और उसी तरह से यू हैव टू चेंज दीज सेंटेंसेज यूजिंग देयर. आपको देयर करके यहाँ पे यूज करना है. एग्जाम्पल कौन कौन से? आई कैन डू nothing to help you. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या यूज करना? देयर. देयर इज नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ए मैन एट द डोर इज आस्किंग टू सी यू. हमें यहाँ पे क्या लगाना है? वी देयर लगाना है. तो देयर इज अ मैन एट द डोर आस्किंग टू सी यू. ये वहां पे जो है एक आदमी खड़ा है जो आपको मतलब पूछ रहा है टू सी यू, कि आपसे मिलना चाहता. तो किस तरह से देयर? तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा. देयर क्या होता है? वहां, जैसे मैंने बोला देयर आर फ्यू फ्रेंड्स. और अगर मैं बोलूंगी दे आर डूइंग देयर वर्क, तो वो वाला देयर कौन सा होता है बच्चों? टी एच ई आई आर, देयर. दे आर डूइंग देयर वर्क. ये चिल्ड्रन आर डूइंग देयर वर्क, राइट? अब यहाँ पे फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन हियर. अब आपको क्या करना है? देयर करके उसको जो है रीराइट करना है. क्या करना है? इसको रीराइट करना है, यूज देयर, ठीक है? दिस पार्क हैज ब्यूटिफुल रोजेस, ठीक है? आपको क्या करना है? देयर, ठीक है? अब हमें क्या यूज करना है? देयर. तो यहाँ पे क्या है? क्या देयर आर, अब मैं यहीं पे लिख रही हूं, देयर आर
ब्यूटीफुल, अब हमें इसे लिखना है, देयर आर ब्यूटीफुल, क्या है ब्यूटीफुल? रोजेस। तो रोजेस कहां पे है? इन दिस पार्क। सेंटेंस, दिस पार्क हैज ब्यूटीफुल रोजेस। तो देखो कैसे मीनिंग सेम है, दोनों का सेम मीनिंग है, बट हमने क्या यूज करा? वी हैव यूज देयर। तो ये यहाँ पे क्या था, दिस पार्क हैज ब्यूटीफुल रोजेस, कि इस पार्क में जो है क्या है, ब्यूटीफुल रोजेस है। अब आपको क्या करना था, देयर को यूज करना था, जैसे यहाँ पे पहले बताया था देयर, तो हम कैसे लिखेंगे, देयर आर ब्यूटीफुल रोजेस इन दिस पार्क। इस पार्क में मीनिंग सेम है दोनों का, तो मीनिंग मीनिंग ऑफ द बोथ सेंटेंसेस आर सेम। योर स्टोरी हैज नो फन इन इट। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, देयर इज नो फन इन योर स्टोरी। क्या लिखेंगे हम, देयर इज नो फन इन योर स्टोरी। सेम हियर, नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। योर स्टोरी हैज नो फन इन इट, तुम्हारी स्टोरी में कोई फन नहीं है। देयर इज नो फन इन योर स्टोरी। तो दोनों को आप जो है यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, वी हैव नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। ये हम दोनों के बीच में क्या, कोई सीक्रेट्स नहीं है। अब हमें यहाँ पे यूज करना है देयर, तो देयर आर क्योंकि सीक्रेट्स हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, आर। जब प्लूरल होता है तो क्या यूज करते हैं बच्चों, आर। सिंगुलर होता है तो क्या यूज करते हैं, इज, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में चलेगा तो आर और इज, अदरवाइज वर, इज, आर, क्या हो जाएगा इसका, वर और वॉज। सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर आर नो सीक्रेट सीक्रेट्स, ठीक है। अब किसके बीच में नहीं है, बिटवीन अस, वी का क्या हो जाएगा बच्चों, अस। देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन, हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं है, बिटवीन अस, वी का क्या हो जाएगा, अस। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट, माई विलेज हैज टू प्राइमरी स्कूल। अब क्या बोल रहे हो कि हमारे यहाँ क्या है, मेरे गांव में क्या है, हैज टू प्राइमरी स्कूल, दो प्राइमरी स्कूल है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, देयर आर नो प्राइमरी स्कूल इन माई विलेज। देयर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, देयर आर या देयर इज, यहाँ पे कितने हैं हमारे प्राइमरी स्कूल्स, टू हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर आर, ठीक है, देयर आर हाउ मेनी स्कूल्स, टू प्राइमरी स्कूल्स इन माय विलेज। देयर आर प्राइमरी स्कूल्स इन माई विलेज। क्लियर, तो मीनिंग क्या है, सेम है कि मेरे विलेज में जो है दो प्राइमरी स्कूल हैं, और यहाँ पे भी लिखा कि वहां क्या है, देयर आर टू प्राइमरी स्कूल्स इन माई विलेज, कि मेरे गांव में टू प्राइमरी स्कूल्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन टू वेज, कि इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देयर आर टू वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
to solve the problems. Clear? There are two ways to solve the problem. Clear? तो किस तरह से हमने देखा यहाँ पे हमने दया का यूज करा है और ये सेंटेंसेस आप लोग भी ट्राई करें कि अपने आप सॉल्व करने की या बनाने की यूजिंग देयर. तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर, राइट. तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा था या जैसे अभी हमने करा था, देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर, देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय, कि मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीजें. तो देयर का यूज जो है, कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. अब यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, मतलब यहाँ पे वर्ड्स आर गिवन हियर और आपको क्या करना है, इनको फिल करना है. ठीक है, अब आप लोग ट्राई करें कि किस तरह से यहाँ पे देयर वॉज अ डैश ईट फियर इन आर विलेज. ये भी जो है विद इन द चैप्टर है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इजी होगा भरने के लिए. वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ डैश टॉय टू अ डैश कैमल. आई वेंट टू द फेयर ऑन इट्स डैश डे विद अंकल एंड भैया. वी वेंट टू द लकी शॉप, इट वॉज वेरी डैश. I tried my luck but didn't win my any prize. Later uncle told me that I was more dash than dash. अब आपको क्या करना है, you have to fill the appropriate word in the blanks. जो भी blanks दिए हैं उसमें आपको क्या करना है, appropriate word जो है यहाँ से लेके जो है fill करना है आपको. अब यहाँ पे क्या आएगा, there was a huge आएगा. अब यहाँ पे वर्ड की मीनिंग देखना कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ह्यूज आएगा या बिग आएगा या फुलिश आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा. अब कंफ्यूजन होगा दो वर्ड्स में, ह्यूज और बिग. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे देयर वॉज अ बिग फेयर, बिग ईद फेयर इन आर विलेज. वी कुड बाय. अब मैंने पहले ही बताया था आपको, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो है हम मेले में खरीद सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, एनीथिंग फ्रॉम ए चाइनी छोटी छोटी टॉय टू अ. अब यहाँ पे क्या आएगा, ह्यूज बड़ी चीज भी हम जो है वहां पे खरीद सकते हैं कैमल की तरह. ठीक है, छोटी जैसे छोटा सा टॉय से लेके बड़ी चीज कौन सी, कैमल. ह्यूज I went to the fair on its. अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, I went to the fair on its. Interesting आएगा. अब कौन से वर्ड बचे हमारे पास, ये हमने फिल कर लिया, ये हमने फिल कर लिया. ठीक है, और this ये भी हमने भर लिया. तो क्या आएगा, I went to the fair on its last day. आखिरी दिन मेले का जब क्या था, आखिरी दिन था, last day. किसके साथ गए थे, with uncle and भैया. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, last day with uncle and भैया. We went to the lucky shop. It was very, कैसी थी वो, interesting. क्योंकि वहां पे सब क्या करे थे, tried luck. यहाँ पे क्या आएगा, इट वॉज इंटरेस्टिंग. आई ट्राइड माई लक. अब वो कह रहे कि मैंने जो है वहां पे क्या करा, लक ट्राई करा, बट डिडंट विन एनी प्राइज. लेटर अंकल टोल्ड मी दैट आई वॉज मोर, कैसा हूं मैं, फुलिश देन अनलकी. क्योंकि उसने क्या बनाया था, उनको फूल बनाया था. ये नहीं होता कि बैड लक है, गुड लक है, कि उसने अब जब वहां पे राशिद गया था तो उसे क्या लगा था कि वो जो बॉय है, लड़का है, और जो वो ओल्ड मैन है वो क्या है, लकी है. क्योंकि उनको क्लॉक मिली है, रिस्ट वॉच मिली है, बड़े बड़े जो है बिग प्राइजेस मिले हैं. तो उसे लगता था कि उनका लक जो है अच्छा है, और मैंने इतने ट्राई करे, इतने ट्रायल्स करे, और मेरे को क्या मिला, ट्रिफल्स मिले, छोटी छोटी वैल्यू की जो है चीजें मिली है.
तो इसका मतलब क्या है, मेरा बैड लक है। अब बच्चे तो ऐसे ले समझते हैं, बट अंकल टोल्ड टोल्ड हिम दैट कि वो जो है क्या है, फुलिश है, अनलकी नहीं है। तो आप लोग भी ये देखें कि ये नहीं है कि आपका बैड लक चल रहा है और आप जो है डेस्परेट हो गए, निराश से हो गए, तो ये मत सोचें यहाँ पे। तो दैट आई वॉज मोर फुलिश देन अनलकी। क्लियर? तो यहाँ पे जो है किस तरह से, क्योंकि ये चैप्टर के विदिन द चैप्टर, दिस एक्सरसाइज इज फ्रॉम द चैप्टर, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब एक और करते हैं कि डिफरेंस कैसे है, कि प्रोनाउंसिएशन तो सेम है वर्ड्स का, बट उनकी मीनिंग क्या है डिफरेंट है, राइट? तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, तो आप लोग जो है उसको लर्न करें, क्योंकि बच्चे जो है हमें हमेशा क्या करते, कंफ्यूज करते। जैसे अभी मैंने डिफरेंस बताया देयर देयर, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्या है दोनों वर्ड्स का, सेम है। तो यहाँ पे मैं वर्ड्स लिख रही हूँ और आपको लिखना है, जैसे फेयर है तो फेयर, ये आपकी एक्सरसाइज है इसी चैप्टर के लास्ट में है, फेयर तो फेयर के साथ आपको राइमिंग वर्ड्स, मतलब इसी के साथ का जो है सेम प्रोनाउंसिएशन का वर्ड लिखना है, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, सेम प्रोनाउंसिएशन सेम प्रोनाउंसिएशन ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सेम होगा बट डिफरेंट स्पेलिंग, बट डिफरेंट स्पेलिंग, स्पेलिंग डिफरेंट रहेगी और उनका जो है प्रोनाउंसिएशन जो है सेम सेम रहेगा, डिफरेंट स्पेलिंग रहेगी, डिफरेंट मीनिंग रहेगा। जैसे फियर आपको इसके आगे लिखना है, बाय वन विच टू नो हेयर सी, इतने कर लेते हैं पहले, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, फेयर अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये वाला फेयर और एक ये जो है किराया जिसको बोलते हैं हम, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, फेयर फेयर, बाय और एक बाय किसी के द्वारा, ठीक है, ये खरीदना, वन आपको पता है वन और वन मने जीतना, विच और विच, ठीक है, टू और टू, नो और नो, के साइलेंट रहता है इसमें बच्चों, नो, हेयर और हेयर, एक और हेयर होता है खरगोश जंगली हेयर। तो इसी तरह से जो है आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को ढूंढें और उनको लिखें कि जिनका सेम प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट स्पेलिंग है, डिफरेंट मीनिंग है। तो बच्चों आज हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है गेम ऑफ चांस, उसके एक्सरसाइज भी कर लिए, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है इसको घर में, मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स दिए थे होमवर्क के, आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, तो लर्न भी करें साइड बाय साइड, और ग्रामर पोर्शन भी हमने कर लिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।